मध्य प्रदेश में कपास खरीदी पर लागू मंडी टैक्स के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। निमाड़ की प्रमुख कपास मंडियों ने व्यापारियों ने खरीदी रोक दी है। जिनी मिलों ने भी 11 अक्टूबर से काम बंद कर दिया है। कारोबारी मंडी टैक्स कम करने की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों की मांग का समर्थन करते हुए भाजपा नेता भी सामने आ रहे हैं। पूर्व महापौर और पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोगे ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मंडी टैक्स कम करने और हड़ताल खत्म करवाने की मांग की है। मोगे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश में मंडी टैक्स 1.70 रुपए प्रति सैकड़े की दर से लागू है, जबकि इसे 50 पैसे प्रति सैकड़ा किए जाने की मांग की जा रही है। दरअसल व्यापारी और किसान लगातार शिकायत भी कर रहे हैं कि प्रदेश में टैक्स की दर अन्य राज्यों से ज्यादा है। मोगे ने उल्लेख किया है कि सीमावर्ती राज्य गुजरात में 25 पैसे और महाराष्ट्र में 50 पैसे ही मंडी शुल्क लागू है। होता यह है कि रुई की एक गांठ बनाने में गुजरात और महाराष्ट्र में करीब 100 रुपए के शुल्क का भार आता है, वहीं मध्य प्रदेश में 600 रुपए का। ऐसे में मध्य प्रदेश का उत्पाद महंगा हो जाता है और प्रतिस्पर्धा में यहाँ के उद्योग पिछड़ जाते हैं। प्रदेश की 200 जीनिंग फैक्ट्रियां गुजरात महाराष्ट्र में शिफ्ट हो चुकी हैं। ऐसे में सरकार प्रतिनिधि भेजकर हड़ताल पर गए कारोबारियों से चर्चा करे, साथ ही टैक्स को कम करने का निर्णय भी ले, ऐसी मांग व्यापारी कर रहे हैं। इस बीच हड़ताल पर गए कारोबारियों को अब मोगे के पत्र से उम्मीद जागी है कि सरकार जल्द कोई घोषणा कर सकती है। बीते दिनों इंदौर में सोपा कॉन्क्लेव में भी कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंडी टैक्स कम करने का निर्णय 1 सप्ताह में लेने का ऐलान किया था, हालांकि उस पर अभी तक फिलहाल कोई अमल नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।